उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के एक गांव से दिल दहला देने वाली वारदात आपके सामने है। परिजन इसीलिए धरना दे रहे हैं कि सोमवार शाम को इनकी 14 वर्षीय बेटी सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई और मोनू सहनी समेत तीन दरिंदों ने बीच में लड़की को बहला फुसला कर अगवा कर उसके साथ बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते ब्लडिंग हुई। फिर भी दरिंदे नहीं रोके, बेहोशी की हालत में भी हैवानियत जारी रही, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। इस वारदात के दौरान तीनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस दरमियान स्कूल के बाहर शव को छोड़कर तीनों मोबाइल बंद कर फरार हो गए। दूसरी तरफ पीड़िता के परिजन बच्ची को कुछ देर बाद भी वापस न आने के चलते जांच पड़ताल शुरू की और गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। देर शाम बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश और तेज कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद बच्ची नहीं मिली। इसी दौरान जानकारी मिली कि मोनू सहनी के घर के पास सुधीर नाम के लड़के ने बताया कि अजनानी सिंह के घर के पीछे और स्कूल के रास्ते में नाबालिग लड़की पड़ी हुई है। जब परिजन वहां पहुंचे, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अंजनी सिंह के मकान के दरवाजे पर और जीने पर खून के निशान होने से कुछ प्रमाण मिले। इसके अलावा सुरेश मौर्य के स्कूल के रास्ते में भी खून के निशानों की जाँच की गई, जिसके बाद तीनों आरोपी मोनू सहनी, राजन निषाद और कुंदन सिंह के खिलाफ रेप और हत्या की FIR दी गई, जिनमें से पुलिस ने मंगलवार देर रात तक राजन निषाद और मोनू सहनी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें मोनू सहनी ने स्वीकार किया बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अधिक ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। वहीं अभी दरिंदा कुंदन सिंह फरार है। तीनों के फोन बंद हैं। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की बात कर रही है। फिलहाल बच्ची की पोस्टमार्टम में भी दरिंदगी की वारदात को मंगलवार को पुष्टि होने के बाद पीड़ित परिजन धरना देकर इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। इस बीच पुलिस ने जो कहा वो आपके सामने मौजूद है। क्षेत्र गौर में आज सूचना मिली कि एक नाबालिग युवती का शव एक घर के पीछे मिला है। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची, शव को PM के लिए भेज दिया गया है। मौके पर IG सर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें एक मोनू सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो लड़की को 7-8 महीने से जानता था। उसने आज बात करके बुलाया और उसमें इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इन्होंने डर के मारे किसी को बताया नहीं। ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लड़की बेहोश हो गई और अंधेरा होने का वेट किया। उसमें बॉडी लड़की अनकॉन्शियस हालत में उसने बॉडी को शिफ्ट किया, उससे बॉडी लड़की की मृत्यु हो गई है। इसमें लड़की को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। अन्य विधवाओं पर भी अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। ऐसे दरिंदों पर कार्रवाई कब होगी? तीनों सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि दरिंदगी और किसी पार्टी से जुड़े होने को एक नहीं किया जा सकता। हैवान हर जगह पर बसते हैं, लेकिन इन पर पार्टी द्वारा एक्शन करते हुए कठोर कार्रवाई की जरूरत है। किसी भी प्रकार का किसी के का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। मौजूद सरकार क्या इन दरिंदों के घर पर मकानों पर JCB चलाएगी या इन पर कठोर कार्रवाई पुलिस सबूतों के साथ रखकर कोर्ट में साबित करते हुए करवा पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ विशाल की रिपोर्ट में जय हिंद।